आज हम टू चैनल रिले को आर्डिनो से कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, सीरियल कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम संक्षेप में जानकारी लेंगे। आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करने से पहले हम थोड़ा सा संक्षेप में समझ लें कि यहाँ पर आर्डिनो के ऊपर ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये है एटमेल कंपनी का ATMEGA328P। तो इसके ऊपर आपको ये मार्किंग दिख जाएगी। तो इसकी जो पिनें हैं, तो यहाँ से लेके ये पिन नंबर शुरू होती है, तो ये यहाँ से 2 और 3 नंबर की जो पिनें हैं, उनका जो पिन डायग्राम में नंबर है वो है PD0, यानी पोर्ट D0 और D1। तो ये जो 2 पिनें हैं, ये इसके सीरियल पोर्ट की पिनें हैं। तो इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही यहाँ से जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन होता है। तो इसको UART के सीरियल पोर्ट का कहते हैं इसको। तो ये पहली पिन जो है ये रिसीवर की है और दूसरी ट्रांसमीटर की है। तो यहाँ से जो है, यहाँ पे PCB के लेआउट में इसको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। तो ये यहाँ से जो है D0 वाली पिन जो है यहाँ जाएगी RX में, और ये D1 की जो पिन है यहाँ पे जाएगी ये TX में। तो ये इसका सीरियल पोर्ट है। तो सीरियल पोर्ट के कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पिनें दी गई हैं, और उसके साथ ही ये दोनों पिनें यहाँ पर, और एक माइक्रो कंट्रोलर है इसके भीतर। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये है MEGA16U2। तो ये भी एटमेल कंपनी का ही माइक्रो कंट्रोलर है। तो यहाँ से जो TX और RX की पिनें हैं, इसको इस माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट किया गया है। और साथ ही बीच में आपको यहाँ पे 2 LEDs भी दिखाई देती हैं, TX और RX की। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये यहाँ से जो इसका जो डेटा होता है, यहाँ से जनरेट होने वाला या रिसीव होने वाला जो डेटा होता है, उसको USB में कन्वर्ट करता है, और फिर यहाँ से इसकी आउटपुट जो है USB को दी गई है। तो इस तरह से ये सीरियल टू USB कन्वर्टर चिप है इसकी। और उसके बाद से USB पोर्ट से कंप्यूटर के USB पोर्ट को कनेक्शन जाता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही ये आर्डिनो की ID ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हम देखें टूल्स के अंदर हमको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद में फिर हम पोर्ट देखें। तो यहाँ पर हमको ये COM3 और COM4 ऐसे दिखाई देता है। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लें। हमने आर्डिनो को USB से कंप्यूटर से कनेक्ट किया है, तो जब भी हम कोई भी हम USB केबल जब इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पर तो हमको इस तरह का कुछ कॉम पोर्ट वगैरह दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ये कुछ और है। तो ये जो है सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है USB पोर्ट को एक सीरियल कॉम पोर्ट की तरह इम्यूलेट किया गया है, इसकी वजह से हमको यहाँ पे ये कॉम पोर्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये जो है वर्चुअल कॉम पोर्ट्स हैं, USB पोर्ट को ये कॉम पोर्ट की तरह ट्रीट करता है। अब हम इसका सीरियल मॉनिटर ओपन करके देखें, तो ये जो है हमको इसका सीरियल मॉनिटर ओपन हो गया। तो अगर यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो इस लिस्ट पे हमको मिनिमम जो है 300 बॉड दिखाई देता है, और ये है 2 लाख बॉड, 200,000 बॉड तक है। लेकिन आमतौर पे जो है 9,600 से लेकर 115,200 तक हमको ये बॉड रेट दिखाई देता है। और हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे, यहाँ पर भी हमने सीरियल डॉट बिगिन 9,600 बॉड लिखा है। तो ये बॉड रेट क्या है? तो हमने जैसे देखा कि आर्डुइनो के ऊपर जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी TX और RX से 2 पिनें हैं। तो इस पिनों से जो है
आर्डिनो सीरियल कम्युनिकेशन करता है। तो जब हम सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं तो जो डाटा ट्रांसफ़र होता है एक पर्टिकुलर रेट से डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो जो डेटा है वो 010101 इस तरह से होता है। तो आर्डिनो से हम जिस स्पीड में वहाँ से डाटा भेजेंगे उसी स्पीड में हमको कंप्यूटर पे रिसीव भी करना होगा। इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम में हमने जो भी इसका जो डेटा ट्रांसफ़र का रेट लिखा है इसी को बॉड रेट कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमको वही सेलेक्ट करना होगा। तो आपके प्रोग्राम में जितना डेटा जनरेट होता है उसके हिसाब से आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो है 115.200 तक यहाँ पे आप जा सकते हो अगर आपके प्रोग्राम में जो है डेटा ट्रांसफ़र की हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत होगी। तो अब इसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग को देखते हैं। आर्डिनो की आईडी में जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें जो है दो फंक्शंस होते हैं। जैसे हम कोई नया प्रोग्राम ओपन करते हैं ब्लैंक प्रोग्राम तो हमको यहाँ पे दो ब्लैंक फंक्शंस दिखाई देते हैं। तो यह है वाइड सेटअप और वाइड लूप। तो सेटअप में जो है हम जो भी कोड लिखते हैं वो कोड सिर्फ एक बार रन होता है और उसके बाद लूप के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो कंटिन्यूसली रन होते रहता है। और सेटअप और लूप के पहले हमको यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं और साथ ही अगर इसमें आप कोई लाइब्रेरी इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमको टू चैनल रिले को आर्डिनो उनो से कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर तो हम कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो ये वेरिएबल्स किस लिए? क्योंकि जैसे हम यहाँ पे फंक्शन है पिन मोड और डिजिटल राइट, ये दोनों भी जो फंक्शंस हैं वहाँ पे हमको पोर्ट नंबर लिखना होता है। तो जैसे आर्डिनो के जो डिजिटल पोर्ट्स हैं 3 से लेके 13 तक आप कोई भी पोर्ट इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो डिजिटल पिनों में। तो यहाँ पे टू चैनल रिले है तो टू चैनल रिले के जो दो इनपुट हैं IN1 और IN2 उसके लिए हमको आर्डिनो का एक एक पोर्ट रिजर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ जितने भी फंक्शंस हैं उस फंक्शंस में हर बार इसका जो नंबर है हम अगर लिखते जाएँ तो हमको इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद में अगर आपको किसी कारण से ये पोर्ट नंबर अगर बदलने की ज़रूरत होगी तो सारे प्रोग्राम में इसको बदलना पड़ेगा आपको। तो इसमें सुविधा हो इसलिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे रिले का जो लोड है तो आप load1 load2 लिख सकते हो या bulb1 bulb2 लिख सकते हो। इस तरह से वेरिएबल का नाम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने रिले लिखा है तो ये है इंटीजर INT इसलिए लिखा है कि जो रिले वन हमने लिखा है इसको हम इंटीजर मानते हैं, बताते हैं कि भाई ये एक इंटीजर है और उसकी क्या वैल्यू है। ये इसकी वैल्यू हमने 7 लिखी और इंटीजर Relay2 = 8 उसके बाद सेमीकोलन। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसमें 7 और 8 पोर्ट नंबर लिखा। तो ये हो गया दो चैनल रिले के लिए आर्डिनो के 7 और 8 पोर्ट हमने रिजर्व कर दिए। अगर आपको 4 चैनल रिले को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे 2 और वेरिएबल्स ऐड कर सकते हो, Relay3 और Relay4, और उसको आगे जो है 9, 10 या जो भी 3 से लेके 13 तक जो भी पोर्ट नंबर है यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद में हम सेटअप में जाते हैं। तो सेटअप में जो है ये serial.begin9600 हमने लिखा है। तो इसका मतलब है हम सीरियल कम्युनिकेशन की शुरुआत करते हैं। हम जो आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर है ATmega 328P उसकी जो दो पिनें हमने देखी D0 और D1, हम उस दो पिनों से सीरियल कम्युनिकेशन ओपन करते हैं। लेकिन प्रोग्राम रन होने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे जो है हम कंप्यूटर को कनेक्ट करके उसका जो आउटपुट है कंप्यूटर के ऊपर दिखाई देने वाला वो हम उससे देख सकते हैं। यानी कि आपको प्रोग्राम को टेस्ट करना है शुरू में या प्रोग्राम
टेस्ट करते समय, रन होते समय अलग अलग स्टेजेस पे क्या हो रहा है अगर आपको देखना है कंप्यूटर के ऊपर, तो ये जो है सीरियल फंक्शन की ज़रूरत है। लेकिन एक बार प्रोग्राम लिख के होने के बाद में एक्चुअली आपको आर्डिनो को किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए अगर यूज़ करना है, तब इस सीरियल फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो उस समय में आप बेहतर होगा इसको काउंट आउट करके फिर अपलोड कर दें। यानी पहले तो हम ये पूरा प्रोग्राम जैसा का वैसा हम आर्डिनो के ऊपर अपलोड करेंगे, उसके बाद में हम सीरियल मॉनिटर में उसका आउटपुट देखेंगे, और आउटपुट देखने के बाद जब हमको यकीन हो जाए कि हमारा प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा है, उसके बाद में ये सीरियल सीरियल नाम की जितनी भी लाइनें हैं इन सारों सारे लाइनों के पहले एक कमेंट डाल दें, यानी डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो ये अगर कमेंट कर दें उसके बाद में फिर अपलोड कर दें, तो उसे क्या होगा, जो सीरियल वाली जितनी भी लाइनें हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और सिर्फ जो हार्डवेयर का इंटरफेस वाला जो कोड है वही एग्जीक्यूट होगा। तो ये है आपको ये करने जैसी चीज़ है। और उसके बाद दोबारा अगर आपकी ज़रूरत पड़ी इसमें कुछ चेंजेस करने की, तो वापस इसको इसका कमेंट वाला हिस्सा हटा के इसको अपलोड करके आप उसको चेक कर सकते हो। तो ऐसे आपको ये किया जा सकता है। अब ये एक्चुअली हार्डवेयर से रिलेटेड ये लाइनें हैं, जैसे पिन मोड है। पिन मोड में दो पैरामीटर्स हैं, एक तो पोर्ट नंबर है और इनपुट या आउटपुट। तो ये हम आर्डिनो को बताते हैं कि रिले वन वाला जो पोर्ट है उसको हम आउटपुट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद में पिन मोड रिले टू कॉमा आउटपुट ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन। तो फिर दोबारा हम बताते हैं कि जो रिले टू वाले जो है वो भी हमको आउटपुट की तरह यूज़ करना है। उसके बाद में डिजिटल राइट फंक्शन है, तो ये सेटअप के अंदर सिर्फ पहली बार रन होगा, ये एक बार ही रन होगा। तो चूंकि हम जो रिले यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव लो टाइप के रिलेज हैं, तो एक्टिव लो टाइप के रिले जो होते हैं उनको अगर आप हाई वोल्टेज दोगे तो वे टर्न ऑफ हो जाते हैं, और लो वोल्टेज दोगे तो टर्न ऑन हो जाते हैं रिलेज। इसलिए हम पहले उनको ऑफ करके रख देंगे, इसलिए डिजिटल राइट फंक्शन है। डिजिटल राइट फंक्शन में भी दो पैरामीटर्स हैं, पोर्ट नंबर और हाई या लो। तो काफ़ी आसान है प्रोग्रामिंग करना, बिल्कुल एक बार आप अगर समझ जाओगे तो आप खुद इस प्रोग्राम को लिख सकोगे। तो डिजिटल राइट रिले वन हाई, डिजिटल राइट रिले टू हाई। तो इससे हमने पहली बार में दोनों रिलेज को टर्न ऑफ करके रख दिया, और फिर ये जो पैरंथेसिस है क्लोज कर दिया। तो ये हो गया हमारा सेटअप पूरा। तो पहली बार में हमने इतनी चीज़ें की, एक तो हमने सीरियल पोर्ट ओपन कर दिया, उसके बाद में हमको जिन पिनों को आउटपुट की तरह इस्तेमाल करना है वो डिक्लेयर किया बताया, और उसके बाद में उनको हाई वोल्टेज पर रख दिया। उसके बाद में आता है लूप। तो लूप वाला जो हिस्सा है वो कंटिन्यूसली रन होते रहेगा जब तक कि आर्डिनो पावर से कनेक्टेड है या बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये तो हमारा प्रोग्राम बड़ा सिंपल है। इसमें हम कर ये रहे हैं कि ये जो दो रिलेज हैं इसमें से एक रिले को ऑन करेंगे, फिर एक सेकंड के बाद दूसरे रिले को ऑन करेंगे, फिर एक सेकंड के बाद दूसरे रिले को ऑफ़ करेंगे, फिर एक सेकंड के बाद पहले रिले को ऑफ़ करेंगे। तो ये बताने के लिए कि दोनों रिलेज को आप इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ इस समय जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें तो हमने रिले को कोई लोड लगाया हुआ नहीं है। लोड लगाएंगे तो भी प्रोग्राम यही रहेगा, सर्किट भी यही रहेगी, सिर्फ जो रिले के जो आउटपुट पिन्स हैं वहाँ पे आपको लोड लगाना होगा। दो रिले को आपको दो अलग अलग लोड लगाना होगा, दो बल्ब आप कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए किस तरह की वायरिंग करनी पड़ेगी या उन वायरों को किस तरह से कनेक्ट करना, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में मैंने एक बल्ब को सिंगल चैनल रिले से कनेक्ट करके बताया था कि आप एसी लोड को रिले से कनेक्ट करके उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो वही बात है, वही चीज़ है, लेकिन आपको दो उसके लिए दो अलग अलग पॉइंट से कनेक्शन लेके दो अलग अलग वायरें उसको कनेक्ट करनी पड़ेंगी, जैसा जिस तरह से हमने पिछली बार किया था वैसे ही। तो इस प्रोग्राम में हमने डिजिटल राइट इन ब्रैकेट रिले वन कॉमा लो सेमी कोलन। तो इसे क्या होगा कि
उसका जो रिले को जो सप्लाई जा रहा है वो हमने लो कर दिया, तो ये एक्टिव लो होने की वजह से ये टर्न ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद जो सीरियल प्रिंट एलएन लिखा है हमने, रिले वन इज़ ऑन, ये हमने कंप्यूटर में देखने के लिए लिखा है। एक्चुअली रिले को टर्न ऑन या ऑफ करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोग्राम रन होते समय इसका जो आउटपुट है ये कंप्यूटर पे देखने के लिए ये कोड काम आएगा। तो इसको आप एक बार सीरियल मॉनिटर पे उसका जो आउटपुट है देखने के बाद में इसको कमेंट आउट कर सकते हो, या अननेसेसरी कोड होगा अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए आर्डिनो यूज़ करना है तो इस कोड की आपको ज़रूरत नहीं होगी उस समय, तो इसको कमेंट आउट करके रख सकते हैं। तो जो मेन कोड है इतना ही है, डिजिटल राइट रिले वन लो, उसके बाद में डिले 1000, तो ये मिली सेकेंड है, 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप चुन सकते हो कि समझो आपने कोई बल्ब ऑन किया या कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपने ऑन किया, फ़ैन ऑन किया या कुछ ऑन किया, और आपको कुछ घंटों के बाद में आपको उसको ऑफ़ करना है, तो टाइम तो यहाँ पे मिली सेकेंड में लिखना पड़ता है। तो आपको जो भी आपको टाइम चाहिए उसमें मिली सेकेंड में आपको कन्वर्ट करके उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। खैर, ये तो डिले वाली बात हो गई। जैसे हमने पिछली बार में किया था कि जैसे हमने टाइमर का इस्तेमाल करके जो रिले का आउटपुट कंट्रोल किया था, तो वहाँ तो आप बिल्कुल आवर मिनट सेकेंड तक दे सकते हो, तो वो भी मतलब एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे सिर्फ हम आर्डिनो और रिले का इंटरेक्शन देख रहे हैं, उसके बाद में हम और भी कुछ कंपोनेंट दूसरे जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में उसके साथ में हम प्रोग्राम को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो फिलहाल ये होगी डिले की बात, डिले वाली बात। तो डिले आपको जितना भी रखना है मिली सेकेंड में लिख के यहाँ पे रखना होगा। उसके बाद में डिजिटल राइट रिले टू लो, लो करने से ये रिले ऑन हो जाएगा। उसके बाद में कुछ डिले दिया, उसके बाद में फिर हाई कर दिया, हाई माने फिर टर्न ऑफ हो गया। तो ये ऐसे लूप में टर्न ऑन ऑफ होता रहेगा। तो ये तो एक एग्जांपल है, आपको प्रैक्टिकली आपकी जैसी भी ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो। जैसे टाइम लाइब्रेरी है, तो टाइम लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे तो आप वहाँ पे टाइम भी लिख सकते हो कि इतने बजे ये ऑन होगा या इतने बजे ऑफ होगा। तो ऐसा ही है, बड़ा मतलब सिंपल सा प्रोग्राम है। तो इसके बाद हम जितने भी आर्डिनो के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसके साथ में हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो प्रोग्राम मैं एक अलग वीडियो में उसको आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ताकि जिनको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है वो बोर ना हो। इसलिए पहला वीडियो वो विदाउट प्रोग्रामिंग होगा, प्रोग्राम का कोड होगा और मैं आपको आर्टिकल में उसके बारे में लिख के बताऊंगा, लेकिन जिनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो दूसरा वीडियो देखें, मेरा जो सेकंड पार्ट है वो देखें। तो ठीक है, आज हम यहीं रुकते हैं।